ज़्यादा हो उनके उधर जाने का, गाड़ी है गाड़ी के पास जाने का। दोस्तों बिग बॉस की नज़र सब पे है। डोली तारो डोली बाजी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय। मेरा नाम साहिल हुसैन, दिस इज माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं वर्ली के नेहरू साइंस सेंटर। तो मिलते हैं इस वीडियो के आगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नेहरू साइंस सेंटर पे पहुंच चुके हैं। नेहरू साइंस सेंटर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा गया है। ये देख रहे हैं, ये पियानो जिसे हम लोग बजाते हैं, तो यहाँ पे ये पियानो का आवाज मिलेगा। एक अलग अलग स्टेप पे अलग अलग आवाज यहाँ से निकलता है। साउंड करते हैं तो एक नहीं दिखता, तो पोपड़े के अंदर पोपट दिखता है, ये साउंड है। यहाँ पे अभी हम आवाज लगाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दिस इज पियानो, आइडेंटिफाई द म्यूजिक। ये ट्रेन का इंजन है, ट्रिक इंजन है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है स्टीम लॉरी। तो ये यहाँ पे नैनो पार्क है, यहाँ पे झूला लगा हुआ है और झूले का आनंद उठा रहे हैं। ये देखो दादी जी चश्मा लगा के झूला झूल रहे हैं। ओहो, तो आप कितने सालों से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? 15 साल की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? अभी मेरा फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, अभी फिलहाल पार्किंग में ड्यूटी है मेरा। पार्किंग, गार्डन, ये सब हम देखते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे आपको हमेशा ड्यूटी मिलते रहता है? या ऐसा ही, अभी इधर पब्लिक ज़्यादा हो उनके उधर जाने का, गाड़ी है गाड़ी के पास जाने का, ये सब ऐसा गेट तक जाने का, ऊपर म्यूजियम में जाने का। इलेक्ट्रिक ट्रम्प कार। और ये चचा कहाँ जा रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ। तो चचा आप कहाँ जा रहे हो? चचा मूड में नहीं है बोलने के लिए। ठीक है चचा, मिलते हैं झुमरी तलिया में। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बनाया गया है और इसी के जस्ट सामने एक स्टॉल है जहाँ पे आप चाय, बिस्किट, स्नैक वगैरह लेके खा सकते हैं। चाय मिलेगा दोस्त? कितने का एक है? 10 रुपीस का एक चाहिए, तो 2 कप दे दो आप। वो क्या चाहिए आप? पिंक वाला, पिंक वाला चाहिए इनको। आप स्टोरिया पीजिए और मैं गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये हमारे सामने आप जो स्टैचू देख रहे हैं ये है विक्रम अम्बाला साराभाई जी का, तो आई सैल्यूट यू सर। और ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा जी हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साह, बीरबल साहनी, चंद्रशेखर वेंकटा रमन जी, श्रीनिवास राम अनुजन जी हैं, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस। मैं आपको दिखाता हूँ, आई सैल्यूट सर। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी को भी दिल से सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पे जर्नी टू स्पेस शो दिखाया जाता है। हा। दोस्तों फाइनली अभी हम नेहरू साइंस सेंटर की ओर पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले हम डायनासोर का दर्शन करेंगे। अब हम आ गए हैं डायनासोर के इलाके में। और डायनासोर भैया क्या हालचाल, सब बढ़िया है? खाना वीना खाया कि नहीं? और ये क्या है नीचे?
पता नहीं क्या है इसका नाम, मुझे मालूम नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं ये क्या है। तो ये है डायनासोर का बड़का भैया, बड़ा ही उदास दिख रहे हैं, हमें तो लगता है ये शुतुरमुर्ग दिख रहा है, पता नहीं क्या है। ये आप जो सामने डायनासोर देख रहे हैं ये बहुत गुस्से में दिख रहा है। ये लगभग अभी यहाँ पे जो इसका पुतला बना है ये 6 फीट का है और बड़ा ही गुस्से में ये देख रहा है लोगों को। तो भाई हम लोग यहाँ से जाते हैं, बाय बाय नेहरू साइंस सेंटर। 1979 में इसका स्थापना हुआ था और ये 11 नवंबर 1985 में राजीव गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ा नेहरू साइंस सेंटर है जो कि मुंबई में स्थित है और ये वर्ली के जीजा माता नगर के पास है। तो आप लोग यहाँ पे आके विजिट करें। नेहरू साइंस सेंटर एरिया पूरे 8 एकड़ में है और इसमें ये नेहरू साइंस सेंटर बना हुआ है। और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं नेहरू साइंस सेंटर के अंदर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह कोणार्क चक्र है। दोस्तों ये बैग अंदर लेके जाने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हम अंदर एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या है वो देखेंगे। तो ये बटन प्रेस करने से ये जंप करके यहाँ से वहाँ जाता है। ये है मौत का कुआं। ये है कनेक्टिक बॉल लिफ्टर। जोर से दबाओ। खाना खा के नहीं आए क्या? खाना खाया ना आपने? हाँ अभी सही आया। से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे एक से एक टॉय मिल रहा है, तो अंदर जाते हैं। तो ये है टच एंड फील। तो हम टच करते हैं और फील करते हैं कैसा। हाँ ये है घर। देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। है ऑरेंज। हम बटन यहाँ दबाए, ऑरेंज का झाड़ दिख गया। ये है जैक फ्रूट जिसको फनस बोलते हैं। ये रहा कटहल का झाड़। ये है कैरेट गाजर। तो हम इसको प्रेस करेंगे, गाजर निकल गया। है पेर, तो हम यहाँ पे प्रेस करने वाले हैं पेर। ये है बनाना, बनाना। ये है मूली, मूली तो अंदर दिख नहीं रहा, तो हम साइड से देखेंगे। एप्पल, ए फॉर एप्पल, बड़का एप्पल। सुरन, इसे इंग्लिश में एलिफेंट फूड कहते हैं। निकल गया जमीन के अंदर से एलिफेंट फूड। चलो जल्दी जल्दी खाओ। थ्री डी साइंस शो है एंड हेरिंग। तो अब हम फटाफट अंदर जाते हैं और देखते हैं शॉट। ये आंटी जी क्या मजे से साउंड निकाल रही है। वाव आंटी जी।
देख सकते हैं यह साउंड कैटेगरी का एरिया है और ये रिकॉर्डिंग प्लेयर है, ग्रामोफोन कहते हैं, और उसके जस्ट बाजू में रेडियो, रेडियो मिर्ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। और ये भी है टेप रिकॉर्डर, आप सामने देख सकते हैं ये टेप रिकॉर्डर, चलो आज। और ये है तबला बजा रही है सोफी, तो आप लोग सुन सकते हैं तबले की आवाज, हमारी सोफी तो कलाकार बन गई है। वेरी गुड, तक दिन दिनता। डोली तारो डोली बाजे, डोली बाजे, डोली बाजे, डोली डम डम बाजे डो। ये है संतूर, हमें संतूर बजाने नहीं आता है। और यहाँ पे भी है सारेगामा 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 सारे इस वीडियो में लास्ट तक जमे रहे। अभी हम आसमान में पहुंच गए हैं और ये छोटे छोटे तारे आप देख सकते हैं। दिस इज डिस्को लाइट। पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया तोरी हाय हाय हाय। दोस्तों बिग बॉस की नजर सब पे है, तो आप इस वीडियो पे जमे रहे। ओ अंकल जी जरा डांस करके बताओ। अंकल जी मूड में नहीं है डांस करने के लिए, तो मुझे हो तो नथु लाल के जैसे वरना ना हो। चलो ऊपर बैठने का नहीं है, उतर जाओ नीचे। और आप देख सकते हैं सातवां अजूबा के बाद आठवां अजूबा, हमारे चचा अभी उसको खोज कर रहे हैं। चचा जाने, तो चचा जाना आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम रजा। मोहम्मद कासिम रजा, हाँ तो आप कहाँ से आए? जिला सारनगर बुलाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे नेहरू साइंस सेंटर देखने के लिए आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, मुझे घूमने के लिए घूमनी फिरनी चाहिए, दुनिया से कुछ लेकर के जाना नहीं है। यहाँ तक मैंने इससे जहन को सुकून मिलता है, बिल्कुल उसे टेंशन फ्री होता है, और सबसे बढ़िया ये है कि इंसान को सुकून मिल जाए, वो सबसे बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, इंसान को सुकून चाहिए लाइफ में, और क्या है, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया चाचा, धन्यवाद। दोस्तों नेहरू साइंस सेंटर बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पे आप आइए, खुद आइए और अपने परिवार के साथ आइए, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको विज्ञान के बारे में मालूम पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3D शो के लिए टिकट लेने के लिए आए थे, तो आज शो का टिकट फुल जा रहा, तो मैडम ने कहा कि शो का टिकट नहीं मिल पाएगा।
दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया गया है और काम चालू है तो बंद है। यहाँ पे दर्शाया गया कि पुराने जमाने के लोग कैसे रहते थे, उनका दिनचर्या कैसा होता था। दोस्तों हमारे पीछे आप देख रहे हैं आदि मानव है और उसके साथ हमारी सोफी भी है। तो सोफी आदि मानव को बाय बाय करो। तो दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 3D शो का लाइन है, फिर से ट्राई करते हैं। मैडम 3D का टिकट मिलेगा? 3000 का है। नहीं मिलेगा मैडम? थ्री डी का टिकट मिलेगा मैम? फुल है तो 3D का टिकट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो टिकट फुल है। यस, तो फाइनली हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं। नेहरू साइंस सेंटर से अभी जस्ट बाहर आए हैं और अभी हम हमारा बैग लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा बैग रिटर्न के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा बैग निःशुल्क संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू साइंस सेंटर का ट्रिप विजिट किया और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया और हमने बहुत अंदर नॉलेज लिया। तो आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सोफी आप यहाँ पे अंदर आए तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा, आप क्या देखे जो सबसे अच्छा आपको लगा? सबसे अच्छा सब अच्छा लगा। तो हमारे साथ हमारे चाय वाले भैया राजवाड़ी, कितने का है चाय? 10 रुपये का, मात्र 10 रुपये का चाय। तो हम राजवाड़ी चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये राजवाड़ी चाय बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी है, इसको हम पी के इन्जॉय कर रहे हैं। वाह मस्त है। अब हमारी सोफी पिएगी, हमारे साथ दो फंटर है, दो हीरो जो राजस्थान से आए हैं। तो आपका नाम बता दो। भरत जी। और आपका? स्वर्य भट्ट। तो आप यहाँ पे नेहरू साइंस सेंटर आए तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा? मूवी, हाँ मूवी मतलब 3D आपने देखा। अभी यहाँ पे आपको और क्या क्या अच्छा लगा? बस घूमने का अच्छा लगा और अंदर देखने के लिए है, मशीने गेम खेलने के लिए बहुत। तो आप लोग भरत जी, ओके हमारा यूट्यूब चैनल है RSSR18। तो भरत जी आप यहाँ पे आए तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ओके, और आप सभी यहाँ पे कितने लोग आए साथ में? 50 लोग हैं। तो आपके ग्रुप और सब कहाँ पे? और अंदर हैं यहाँ पे, और भी लोग इनके अंदर हैं। तो आप लोग इस मुंबई नगरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आए घूमे, आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है ना? नरिमल पॉइंट पे उधर भी अच्छे हैं। अच्छा, आप लोग नरिमल पॉइंट भी घूम के आए? बैंड स्टैंड गए क्या? क्या नाम है? RSSR18। RSSR18 रिपेयरिंग हो रहा है तो थोड़ा टाइम सोफी को रुकना पड़ा और ये झूला भी थोड़े टाइम के बाद झूलेगी। सोफी और झूला झूलाऊं? एकदम तगड़ा झूलाऊं? चलो ठीक, ये लो एकदम तगड़ा। अभी मजा आया? तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।